गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी विल डिस्कस द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नाइन द चैप्टर नेम इज़ द वायरस फॉर क्लास सेवेंथ कंप्यूटर एंड डाटा हैव बिकम द लाइफ लाइन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर और डाटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइफ लाइन होती है इफ़ समन गोज़ रॉन्ग अगर कुछ भी रॉन्ग uh, हुआ विद द कंप्यूटर और डाटा डाटा और कंप्यूटर के साथ कुछ भी रॉन्ग हुआ अगर गलत हुआ तो बिज़नेस ऑलमोस्ट कम टू स्टैंड स्टिल तो बिजनेस लगभग ख़त्म हो जाते हैं खड़ा हो जाता है दिस कॉज अ लॉस ऑफ सविरल आर्ट्स ऑफ हार्डवेयर हार्ड हार्डवर्क एंड रिसर्च इससे बहुत बहुत सारे घंटों की कड़ी मेहनत और रिसर्च सब लॉस हो जाती है कंप्यूटर वायरस रिफ़र टू अ प्रोग्राम कंप्यूटर वायरस को एक प्रोग्राम की तरह आप कह सकते हैं और अ सेट ऑफ प्रोग्राम या सेट ऑफ़ प्रोग्राम हो सकता है दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि नॉर्मल कंप्यूटर के नॉर्मल ऑपरेशन को डिस्टर्ब कर देता है वायरस इन्फेक्ट इरेजेज एंड डिस्ट्रॉय डाटा फाइल्स वायरस जो है वो डिस्ट्रॉय कर, कर देता है इरेज कर देता है डाटा फाइल्स को इट इंटर इंटर्स इन अ कंप्यूटर विदाउट द परमिशन और नॉलेज ऑफ द यूज़र ये कंप्यूटर में uh, बगैर किसी व, बिना यूज़र की यानी जो यूज़ कर रहा है पर्सन uh, उसकी नॉलेज के बगैर वो कंप्यूटर में इंटर कर देता है कंप्यूटर प्रोग्राम आर रिटर्न टू इंस्ट्रक द कंप्यूटर कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जाता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए किसी भी परफॉर्म को एक्शन को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जाता है हाउ एवर वायरस प्रोग्राम जो कि वायरस प्रोग्राम मेक द कंप्यूटर परफॉर्म अनडिजायर डिज़ायर अनशेड्यूल्ड टास्क वो क्या करते हैं कंप्यूटर को अनडिज़ायर और अनशेड्यूल्ड टास्क परफॉर्म करने के लिए वो बनाए जाते हैं नॉर्मली इट इंटर थ्रू एनी इन्फेक्टेड स्टोरेज डिवाइस नॉर्मली ये कैसे इंटर होते हैं किसी भी इन्फेक्टेड स्टोरेज डिवाइस से वो इन्फेक्ट हो जाते हैं जैसे कि इन्फेक्टेड स्टोरेज डिवाइस से आप जैसे कि सीडी है पेन ड्राइव है एटसेट्रा है वायरस कैन ऑल्सो इंटर इंटू एय कंप्यूटर वायर सर्फिंग द इंटरनेट जब आप अगर इंटरनेट पर भी वर्क कर रहे हो तो भी वायरस आपके कंप्यूटर में इंटर कर सकता है मालवायर मालवायर इज़ अ मेडअप ऑफ टू वर्ड्स मालवायर टू वर्ड्स से बना होता है मिलीशियस एंड सॉफ्टवेयर इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इंटर इन टू अ कम्प्यूटर ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर में इंटर कर जाता है एंड डैमेज इट विदाउट द नॉलेज ऑफ यूज़र और उसको डैमेज कर देता है यूज़र की नॉलेज के बगैर मालवायर इज़ अ ट्रबल काजेज़ प्रोग्राम मालवार मालवायर कैसा प्रोग्राम है प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला ट्रबल काजेज़ प्रोग्राम है इट में बी अ वायरस ये वायरस हो सकता है वार्म कौन सा वायरस वार्म ट्रोजन हॉर्स और स्पाइवेयर वायरस हो सकता है मालवेयर नॉट ओनली इंटरप्ट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर ये मालवेयर क्या करता है ये नॉर्मल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर को ही नहीं इंटरप्ट करता है बट ऑल्सो स्टील इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बल्कि वो कुछ इंफॉर्मेशन को भी चुरा लेता है फ्रोजन हार्स वार्म एंड स्पाईर आर द सम अदर टर्म्स ये ये जो है ट्रोजन हार्ड्स है वार्म है स्पाइवेयर है ये अदर टर्म्स हैं देट आर एसोसिएटेड विद वायरस जो कि वायरस से वायरस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं बट आर नॉट बट आर एक्चुअली डिफरेंट फ्राम द वायरस प्रोग्राम लेकिन कुछ लेकिन वायरस प्रोग्राम से डिफरेंट हैं बट जुड़े हुए हैं उन्हीं से नेक्स्ट है आपका वायरस द फुल फॉर्म ऑफ वायरस इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सर अंडर सीज़ वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है वायरस का वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज़ होता है ये एसेंशियल रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो एसेंशियल रिसोर्स यानी जो इंपॉर्टेंट जो रिसोर्सेज हैं लाइक मेमोरी है like प्रोसेसिंग स्पीड है डाटा एंड प्रोग्राम है कैन नॉट हैव नॉर्मल ऑपरेशन के पास नॉर्मल ऑपरेशंस नहीं होते हैं नहीं होते एंड कैन बी हार्म्ड और हार्म किए जा सकते हैं व्हेन द वायरस स्प्रेड अगर वायरस फैल गया तो ये हार्म हो सकते हैं वायरस प्रोग्राम आर सेल्फ रेप्लिकेटेड, वायरस जो प्रोग्राम होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेट यानी अपने आप में ही बढ़ते रहते हैं एंड कंटिन्यूसली एक्सपेंड देयर रीच और हमेशा अपने जो अपनी पहुंच को बढ़ाते रहते हैं बाई इन्फेक्टिंग मोर एंड मोर कंप्यूटर फाइल्स कैसे बढ़ाते रहते हैं कंप्यूटर फाइल्स को बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करते करते वो अपने आप में रेप्लीकेट होते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ स्पीड से क्या होता है स्पीड लॉस होती है एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा और डाटा डिस्ट्रक्ट हो जाता है टू अवॉइड डिडक्शन इस डिडक्शन को अवॉइड करने के लिए दे आर सीक्रेटली हिडन ए और uh, और इसको करने के लिए वो क्या करते हैं छुपे हुए होते हैं वायरस प्रोग्राम कैन रिमेन अब अब अनडिटेक्टेड वायरस प्रोग्राम छुपे हुए होते हैं और ढूंढे नहीं जा सकते हैं एंड क्वाइटली इनएक्टिव और चुपचाप इनएक्टिव रहते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय तक चुपचाप इनएक्टिव रहते हैं एक्टिव नहीं रहते हैं मतलब कि वेटिंग फॉर अ पर्टिकुलर सिग्नल और वो पर्टिकुलर सिग्नल के लिए वेट करते रहते हैं और एन ए, और एन इवेंट या किसी इवेंट की के लिए करते रहते हैं जैसे कि एक पर्टिकुलर कोई इवेंट हुआ उस उस तक वो करते रहते हैं जैसे टू ट्रिगर देम कि उस उस, उस उस इवेंट पे हम ट्रिगर करें जैसे कि सम वायरस प्रोग्राम मॉनिटर द क्लॉक इन द होस्ट कंप्यूटर जैसे कुछ जो वायरस होते हैं वो क्या करते हैं क्लॉक को घड़ी को वो मॉनिटर करते रहते हैं कि कब जैसे एंड ट्रिगर ऑन अ डे और जब उस उस एक ही दिन पे वो ट्रिगर कर जाते हैं जैसे कि फ्राइडे द थर्टीन ये एक वायरस है जो कि फ्राइडे को ही ट्रिगर कर जाता है यानी कि फ्राइडे को ही वो इफ़ेक्ट करता है सम वायरसेज आर हार्मलेस एंड कुछ वायरस होते हैं जो हार्मलेस होते हैं एंड डिस्प्ले सम मैसेज और कुछ मैसेज डिस्प्ले करते हैं हाउ एवर जबकि मोस्ट वायरसेज आर हार्मफुल बहुत ज़्यादा जो वायरस होते हैं वो हार्मफुल होते हैं वायरस आर रिटर्न बाई डिस्ट्रकटिज हु जस्ट वॉन्ट टू एज्यूम देम सेल्फ और जो वायरस होते हैं उन्हें उन्हें किसी डिस्ट uh, उन्हें डिस्ट्रक्टिव रिसोर्सेज ने बोली वो लिखते हैं आ, औ, और वो क्या करना चाहते हैं वो अपने आप को और वांट टू एक्सेस एनी वन प्राइवेट डाटा वो अब वो दूसरे के किसी के प्राइवेट डाटा को इन्फेक्ट करना चाहते हैं देयर ऑथर्स गिव देम फैंसी नेम उनके जो लिखने वाले हैं वायरस प्रोग्राम के जो लिखने वाले हैं उन्होंने उनको फैंसी नेम दिया हुआ है जैसे कि ए आई डी एस है सैटरडे फोर्टीन है डार्क एवेंजर है एंड फ्राइडे द थर्टीन है नेक्स्ट है आपका ट्रोजन हॉर्स ट्रोजन हॉर्स इज अ सिंपल प्रोग्राम ट्रोजन हॉर्स एक सिंपल प्रोग्राम है दैट प्रिटेंडेड टू बी अ यूजफुल एप्लीकेशन जो कि ऐसा दिखाता है कि वो यूजफुल एप्लीकेशन है वेयर एज जबकि इट ऑलवेज डज समथिंग डिस्ट्रक्टिव जबकि ये कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्टिव करता है मोस्टली ये मोस्टली क्या करता है इट डैमेज अ कंप्यूटर कंप्यूटर को डैमेज करता है लाइक इरेजिंग द डिस्क जैसे कि डिस्क को इरेज कर देता है इट इज़ नॉट सेल्फ रेप्लीकेटेड ये सेल्फ रेप्लीकेटेड नहीं होता है ड्रोजन कैन स्प्रेड ओनली वेन इट इज़ कॉपीड टू अनदर सिस्टम ये तभी फैलता है जब इसको दूसरे सिस्टम पर कॉपी किया जाता है तभी यह फैलता है द नेम ट्रोजन हॉर्स हैज बिन ड्राइवड जो नेम है ट्रोजेन हॉर्स है ये द नेम ट्रोजेन हार्स हैज़ बिन डराइव्ड फ्राम वुड एन हार्स जो ट्रोजेन हॉर्स जो नाम है वो लिया गया है वुड एंड हॉर्स यूज्ड बाई जिसे यूज़ किया गया था ग्रीक ग्रीक आर्मी ने यूज़ किया था टू कॉन्क्योर दिटी ऑफ ट्रॉय ट्रोजेन हार्स इज यूजली मास्क टू मेक इट लुक इंटरेस्टिंग ट्रोजेन हॉर्स को बनाया गया है उसका जो उसको ऐसा बनाया गया है कि वो इंटरेस्टिंग लुक दें उसका लुक इंटरेस्टिंग हो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपियानो डॉट डब्ल्यू ए वी फाइल माइट इंटरेस्टिंग अ पर्सन ये जो पियानो डॉट uh, है ये वाला जो है ये किसी भी लोग को इंटरेस्टिंग लग सकता है कलेक्टिंग साउंड इसमें लोग साउंड uh, को कलेक्ट कर सकते हैं सैम्पल uh, को कलेक्ट कर सकते हैं ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट के सैंपल के साउंड को कलेक्ट कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपका वॉम इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वायरस प्रोग्राम ये एक स्पेशल टाइप ऑफ वायरस प्रोग्राम है दैट कापीड दैट कापीज़ एंड मल्टीप्लाई इट सेल्फ जो कि कापी हो जा हो सकता है और अपने मल्टीप्लाई हो सकता है अपने आपसे बाई यूजिंग कम्प्यूटर नेटवर्क कम्प्यूटर नेटवर्क का यूज़ करके एंड सिक्योरिटी फ्लोज इट कैन ओवर लोड नेटवर्क रिसोर्सेज ये नेटवर्क रिसोर्सेज को ओवरलोड कर सकता है वेरी क्विकली बहुत ही जल्दी विच इंटर विच टर्न स्लो डाउन द स्पीड इन डाटा इससे क्या होता है जो डाटा होता है वो वो स्लो हो जाती है ड्यू टू अवी कंजप्शन ऑफ सिस्टम मेमोरी हैवी कंजप्शन सिस्टम मेमोरी के हैवी कंजप्शन की वजह से डाटा स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है और नेटवर्क बैंडविड्थ की वजह से स्लो हो जाती है नेक्स्ट है आपका स्पाइवेयर इट इज़ अ टाइप ऑफ माल ये माल के जैसे होता है दैट इज इंस्टॉल ऑन कंप्यूटर जो कि कंप्यूटर में कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज़र और इंफॉर्मेशन और यूज़र की इंफॉर्मेशन सब कलेक्ट कर लेता है विदाउट देयर नॉलेज उसकी नॉलेज के बगैर इस् इस्पाईवेयर प्रोग्राम सीक्रेटली मोनीटर द यूज़र्स कंप्यूटर इस्पाई वेयर जो होता है प्रोग्राम ये चुपचाप जो जैसे यूज़र कंप्यूटर पर वर्क कर रहा है वैसे उसको देखता रहता है मोनीटर करता रहता है दे कैन कलेक्ट वेरियस टाइप ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन ये क्या करता है बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो यूज़र की इन्फॉमेशन है वो कलेक्ट uh, कर लेता है जैसे कि है इंटरनेट सर्विस सर्फिंग हैबिट है कि वो इंटरनेट पे कैसे कर रहा है विजिट द वेब पेजेस है एंड ट्रांसमिट दैट इन्फॉर्मेशन और ट्रांसफ़र uh, कर देता है इस इस इंफॉर्मेशन को इन द बैकग्राउंड ऑफ समवन एल्स दूसरे के किसी भी बैकग्राउंड में ट्रांसफ़र uh, कर देता है समटाइम दे ऑल्सो चेंज कंप्यूटर सेटिंग कभी कभी ये कंप्यूटर की सेटिंग भी चेंज कर देता है दैट रिजल्ट इससे क्या होता है इन स्लो कनेक्शन स्पीड एंड रॉन्ग रॉन्ग फ रॉन्ग फंक्शनैलिटी ऑफ द अदर प्रोग्राम इससे क्या होता है जो जो दूसरे जो प्रोग्राम होते हैं वो रॉन्ग फंक्शन करने लगते हैं और जो स्पीड होती है uh, वो स्लो स्लो हो जाती है इस्पाईवेयर कैन ऑल्सो कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट ई मेल एड्रेस इस्पाईवेयर क्या करता है ई मेल एड्रेस की इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर लेता है पासवर्ड भी कलेक्ट कलेक्ट uh, कर सकता है एंड इवन क्रेडिट कार्ड नंबर और क्रेडिट कार्ड का नंबर भी कलेक्ट कर सकता है टाइप ऑफ वायरसेस वायरस कैन भी क्लासीफाइड बाई देयर इन्फेक्शन जो वायरस हैं वो क्लासीफाइड किए जा सकते हैं uh, uh, टारगेट इन टू द फॉलोइंग टाइप वो ए, ए, इस टाइप से वो हम इसको क्लासीफाइड कर सकते हैं फर्स्ट है बूट वायरस दीज वायरसेज इन्फेक्ट द बूट रिकॉर्ड ये क्या करते हैं बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करते हैं और मास्टर बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करते हैं दे रिप्लेस द बूट रिकॉर्ड ये बूट रिकॉर्ड को रिप्लेस कर देते हैं दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए बूट बूट रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट होता है इसको रिप्लेस कर देते हैं इन द कंप्यूटर मेमोरी से बाई कॉपिंग इट वेयर और कैसे uh, दूसरी जगह इसको कॉपी करके इसको इसको क्या कर देते हैं इसको रिप्लेस कर देते हैं बूट वायरस बिकम एक्टिव एट ए टाइम ऑफ बूटिंग बूट बूट वायरस कब एक्टिव होते हैं जब बूटिंग का टाइम होता है द मशीन एंड डिस्ट्रॉय डाटा जब मशीन की बूटिंग का टाइम होता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं और डाटा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो कि हार्ड डिस्क में स्टोर होती है जैसे कि है डिस्क किलर स्टोन वायरस ई टी सी नेक्स्ट है आपका वायरस प्रोग्राम सॉरी प्रोग्राम फाइल वायरस दीज वायरसेज इन्फेक्ट एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल ये क्या करते हैं वायरस ये जो प्रोग्राम फाइल वायरस है ये एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल्स में प्रोग्राम में सचेज जैसे कि जो एक्सटेंशन के साथ होती हैं लाइक जैसे डॉट काम है डॉट ई एक्सी डॉट ओवल इसके इसको इसमें इन्फेक्ट करते हैं दीज प्रोग्राम गेट लोडेड ये जो प्रोग्राम होते हैं ये लोड होते हैं इनटू टू द कंप्यूटर मेमोरी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ये जो होते हैं ये जब एग्जीक्यूशन के टाइम ये प्रोग्राम कंप्यूटर में लोड होते हैं द वायरस बिकम एक्टिव वायरस एक्टिव हो जाता है इन द कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी में एक्टिव हो जाता है बाई रेप्लीकेटिंग इट्सल्फ अपने आप में रेप्लीकेट होता रहता है एंड इन्फेक्ट फाइल्स एंड इन्फेक्टिंग फाइल द अदर प्रोग्राम ऑन द डिस्क और क्या कर देता है स्टार्ट कर देता है फाइल को इन्फेक्ट करना और दूसरे डिस्क के दूसरे प्रोग्राम को इन्फेक्ट इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है द एग्ज़ाम्पल ऑफ प्रोग्राम वायरस प्रोग्राम वायरस का एग्जाम्पल है संडे है कैसकेड है ए है नेक्स्ट है आपका मल्टी पैराटाइट वायरस अ मल्टीपैराटाइट वायरस इज़ हाइब्रिड ऑफ बूथ सेक्टर और प्रोग्राम फाइल वायरस मल्टीपैराटाइट वायरस होता है ये हाइब्रिड होता है बूट सेक्टर वायरस का बूट सेक्टर और प्रोग्राम फाइल वायरस का द वायरस गेट्स एंटर इंटू अ कंप्यूटर सिस्टम जो वायरस है ये कंप्यूटर सिस्टम में एंट्री करता है इंटू द्रू समेक्ट मीडिया कुछ इन्फेक्टेड मीडिया के थ्रू ये इनफेक्ट इन, वो एंट्री कर देता है एंड देन री साइड इन साइड द कंप्यूटर और uh, कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर रिसाइड हो जाता है आफ्टर दैट द वायरस मूव इन टू द हार्ड डिस्क और इसके बाद में ये हार्ड डिस्क में चला जाता है इनफेक्ट द बूट सेक्टर वहाँ पे बूट सेक्टर को इन्फेक्ट कर देता है एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग इट सेल्फ और अपने आप को फैलाना शुरू कर देता है इस सिस्टम सिस्टम में बाई इन्फेक्टिंग द एग्जीक्यूटेबल फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल में इन्फेक्ट करके अपने आप को स्टार्ट कर देता है स्प्रेड करना फॉर एग्जांपल में एग्जांपल में है जैसे कि इनवेडर uh, uh, है फ्लिप uh, है टिकुआ uh, टिकुएला uh, है ई नेक्स्ट है आपका माइक्रो वायरसेस दिस वायरस इन्फेक्ट द फाइल ये वायरस इन्फेक्ट करता है फाइल में विच आर क्रिएटेड यूजिंग एप्लीकेशन जो कि एप्लीकेशन का यूज करके क्रिएट की जाती हैं दैट सपोर्ट माइक्रोज जो कि माइक्रो को सपोर्ट करती हैं सचेज जैसे कि है वर्ड है एक्सेल है पावर पॉइंट है अ माइक्रो इज़ अ सीरीज़ ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेप माइक्रो क्या होता है प्रोग्रामिंग स्टेप का सीरीज होता है दैट अलाउ ऑटोमेशन जो कि अलाउ करता है ऑटोमेशन ऑफ मनी एक्शन विद अ सिंगल की स्ट्रोक एक ही और एक ही स्ट्रोक में आ, बहुत सारे एक्शन को आ, के आ, बहुत सारे एक्शन को पफ, आ, को करने के लिए ऑटोमेशन होता है ये व्हेन द इन्फेक्टेड फाइल इज़ ओपन जब वो इन्फेक्टेड फाइल ओपन ओपन हो जाती है माइक्रोज वायरस गेट लोडेड इनटू इनटू द मेन मेमोरी तो वायरस क्या हो जाता है जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होता है उसमें लोड हो जाता है एंड डिस्ट्रॉय द डाटा स्टोर इन हार्ड डिस्क और जो डाटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क में उसको डिस्ट्रॉय कर देता है वंस अ माइक्रो वायरस गेट एक्टिव ऑन योर कंप्यूटर जब एक बार माइक्रो वायरस आपके कंप्यूटर में एक्टिव हो जाता है है एवरी डॉक्यूमेंट यू प्रोड्यूस जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया है विल बिकम इन्फेक्टेड तो वो पूरी सभी जितने जितने भी जो डॉक्यूमेंट है, वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं यानी कि जो इससे रिलेटेड एप्लीकेशन से रिलेटेड रिलेटे जितने भी डॉक्यूमेंट है, वो क्या हो जाते हैं इन्फेक्टेड हो जाते हैं दिस वायरस कैन बी स्प्रेड थ्रू ई मेल अटैचमेंट ये ये ई मेल अटैचमेंट से भी फैल सकता है ई मेल अटैचमेंट से डिस्क नेटवर्क मॉडर्म एंड इंटरनेट से भी ये फैल सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे है मलेशिया ए मलेशिया ए है फिर रैक्स है और बैबलेस है एटसेट्रा ओके स्टूडेंट्स थैंक यू